सरकार के माध्यम से 1 जुलाई को GST लागू कर दिया गया है, लेकिन वही जगह लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि घर के प्रति 12% GST किस तरह से भरा जाए। इसी मुद्दे को लेकर अरिहंत ग्रुप कंपनी ने लोगों के प्रति एक ऑफर रखा है। अरिहंत अंशुला, अरिहंत आरोही के माध्यम से 21 जुलाई तक GST फ्री कर दिया गया है। तो आइए मिलते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ खास नजरिया है। The government has imposed a GST of 12%, which is a tax which has to be borne by the customer. Initially, this tax was supposed to be 4.5% of service tax and 1% of VAT, but now there's an additional 6.5% of tax on the customer, which is a burden for the customer. So right now at Arihant, we believe in complete customer satisfaction. That's why we are offering a full payout from our pockets on GST. We will be paying the entire GST of the customer, which will be 12% on the projects Arihant Anshula and Arihant Arohi. Arihant Group ka GST free prarup diya gaya, kya kehna chahenge is bare mein, kis tarah ka prabhav, kya message karna chahenge? So the government has put a burden on the customers of a 12% GST tax, which was initially 4.5 plus 1%. So the customer has a higher burden of 6.5%, but we at Arihant, we will be covering the 6.5% additional burden which is given by the government to the customer, and this offer is valid on Arihant Arohi and Arihant Anshula. Sir, abhi haal hi mein GST lagu hua, usse pehle notbandi ka asar, demonetization, kya kuch khas fark pada? Abhi Arihant ka is tarah ka mahol dikh raha hai, uske bare mein kuch kya hai? GST आया, रेरा आ रहा है, उसके बाद में डिमोनिटाइजेशन का इफेक्ट। ये टिपिकली बी और सी कैटेगरी डेवलपर्स पे है, अरिहंत ए कैटेगरी डेवलपर है। अगर आप देखेंगे नवी मुंबई तो अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड है, जो एनएसी और बीएसई लिस्टेड कंपनी है। ओके, और हमने 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं उसी के साथ में। अरिहंत अगर आप देख सकते हैं तो हम बोल रहे हैं यू बाय वी पे यूर GST। सो हम आपके लिए GST पे करेंगे 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारा अंशुला और अरिहंत आरोही। अरिहंत आरोही 93% कंप्लीट है, अरिहंत अंशुला 83% कंप्लीट है। अभी तक मैं आपको अरिहंत के बारे में बताता हूँ। अरिहंत ने अभी तक के 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं उसी के साथ में। एवरी ईयर वी आर गिविंग पोजेशन फॉर 700 to 800 अपार्टमेंट्स। दिस ईयर वी आर प्लानिंग फॉर गिविंग पोजेशन फॉर ऑलमोस्ट 1200 अपार्टमेंट्स। हमारे पास में वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड पार्सल है, जहाँ पे वी आर कमिंग अप विथ ऑलमोस्ट 12,000 यूनिट्स। हम अरिहंत में कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पे जाइए, आप देखिए आपको कितने डेवलपर पोजेशन दे रहे हैं ओसी के साथ में। हम प्राउडली कहते हैं कि अरिहंत के साथ में आपको पोजेशन मिलेगा ओसी के साथ। GST और रेरा आने के बाद में सबसे बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर को है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो ए कैटेगरी डेवलपर है या जो ट्रांसपेरेंट डेवलपर है, जो पोजीशन की बात करते हैं, जो ओसी के साथ पोजीशन की बात करते हैं, उनके लिए तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। वो कंज्यूमर के पास जाके बोल सकते हैं कि देखिए ये नेक्स्ट लेवल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, ये आपकी बेनिफिट की है। और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर बात करेगा डिलीवरी की। अब जो डेवलपर डिलीवरी नहीं देते थे उनके लिए प्रॉब्लम है। जो डेवलपर कंज्यूमर फोकस थे, कस्टमर फोकस थे, जो कस्टमर डिलाइट की बात करते थे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते थे, जो ओरिजिनल डेवलपर थे, जो डिलीवरी की बात करते हैं, उनके लिए तो ये फ़ायदे की चीज़ है। जैसे गवर्नमेंट प्रपोज करता है हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स सबके लिए, अरिहंत ने इनिशिएटिव लिया है सारे कस्टमर्स के लिए। बजट रेंज फ्रॉम 15 लाख से 2.5 करोड़ तक की रेंज में नवी मुंबई में अफोर्डेबल लग्जरी बनाकर कस्टमर को प्रोवाइड करना है। GST और रेरा का इस पर इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की ज़रूरत आज इन अफोर्डेबल लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इसलिए हमारी प्रोजेक्ट रेंज जो है तकरीबन 15 लाख से, जैसे मैंने कहा, 2.5 करोड़ तक की रेंज में जो प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अफोर्डेबल एज वेल एज लग्जरी अपार्टमेंट हम बना रहे हैं, आज उसकी डिमांड इस मार्केट में ज़रूर है। GST एप्लीकेबल होने के बावजूद भी कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि हमें सही प्रोडक्ट सही रेट में और सही लोकेशन पे अगर प्रोवाइड किया जाए तो वो उसे खरीदने को तैयार है। सर, GST लागू होने के बाद अरिहंत ने क्या स्कीम दिया है जो
खरीदार किस तरह से करेंगे? जीएसटी आने पर अरिहंत ने कस्टमर पे जो एक बर्डन आया था जीएसटी का जो 12% का है, कस्टमर के तो बर्डन को हमने अपनी तरफ रखते हुए कस्टमरों को जीएसटी से मुक्त किया है, फ्री किया है, और उसका सारा टैक्स जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो अरिहंत अपनी तरफ से लेके उसका पेमेंट करेगी।